ज्ञानवापी में 14वें दिन एएसआई का सर्वे कड़ी सुरक्षा के बीच टीम के साथ वादी प्रतिवादी और वकील हुए दाखिल 3D मैपिंग और पैमाइश जारी। मुस्लिम पक्ष माफी मांग लिया, भोलेनाथ की 1 इंच जमीन भी नहीं देंगे। ज्ञानवापी पर समझौते को लेकर हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन की दो टूक। मुस्लिम पक्ष अपना दावा छोड़े, ज्ञानवापी हमें सौंपे, समझौते की चर्चा पर बोले हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन। हिंदू धर्म इस्लाम से पुराना, पहले हिंदू ही थे मुसलमान गुलाम, नबी आजाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दिल्ली में इंडिया गठबंधन में पड़ी दरार, कांग्रेस ने किया सभी 7 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान, अगली बैठक में जाना बेकार, आम आदमी पार्टी का भी आया बयान। सीएम बनना है तो शरद पवार को एनडीए में लाओ, पीएम मोदी का अजीत पवार से वादा, कांग्रेस नेता विजय वेड्डीवार का दावा। अगर मुस्लिम पक्ष बात करना चाहता है तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं, ज्ञानवापी विवाद मामले पर बोले हिंदू सेना। मुंबई के अंधेरे में 5 लोगों को खाने से हुआ फंगल इन्फेक्शन, 1 की हुई मौत, 4 ट्रॉमा सेंटर में हुए भर्ती। मोदी तेरे राज में, मणिपुर जल गया आग में, विधानसभा में गूंजे नारे, बीजेपी के 4 नेताओं को सदन से निकाला। इंडिया में छिड़ा संग्राम, महाराष्ट्र में शरद पवार पर अविश्वास, दिल्ली में कांग्रेस और आप में नहीं बन पा रही है विश्वास। कल्याण में 12 साल की लड़की को 20 साल के लड़के ने किया प्रपोज, मना करने पर मां के सामने धराधड़ चाकू से मार मार कर लड़की की कर दी हत्या। नेहरू जी अपने काम के लिए जाने जाते हैं, नाम के लिए नहीं, पीएम संग्रहालय विवाद पर बोले राहुल गांधी। चांद के और करीब पहुंच गया भारत का मून मिशन, चंद्रयान 3 से अलग हुआ लैंडर विक्रम, अब 23 अगस्त को रचेगा इतिहास। वसुंधरा राजे को बड़ा झटका, बीजेपी के चुनाव अभियान और घोषणा पत्र समिति में नहीं मिले जगह। मणिपुर हिंसा मामले में जांच के लिए सीबीआई ने उतारे 53 अफसर, 29 महिला अधिकारी। राजस्थान के हनुमानगढ़ी में कार ड्राइवर ने महिला को बोनट पर आधा किलोमीटर तक घसीटा, बचाने के लिए पीछे भागे लोग तो बढ़ा दी स्पीड। बीजेपी की आग से न खेले कांग्रेस, मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाना चाहती है भाजपा, अखिलेश यादव का तंज। आज बिल किसानों से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट करेगी सुनवाई। विधानसभा की कार्रवाई 1 दिन के लिए बढ़ाई गई, आप नेता की ओयो और पीजी में सुरक्षा की बात। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से बुरा हाल, एयरफोर्स ने 780 लोगों को किया रेस्क्यू। शिमला में 72 घंटे से एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, सेना ने संभाला मोर्चा। मुंबई में आज बारिश का अलर्ट, तेज बारिश की संभावना, शाम को समुद्र किनारों पर उठेंगी ऊंची लहरें। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच घमासान, भाजपा ने ली चुटकी, घमंडिया गठबंधन की ओर से आया पहला रुझान। रॉबर्ट वाड्रा की बड़ी मुश्किलें, ईडी ने अग्रिम जमानत को दी चुनौती, जमानत शर्तों का पालन न करने का दावा। मुंबई की लोकल में सफर करने के लिए लड़की ने लगा दी जान, वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने कहा कि जान है तो जहान है।